स्नेहा इवेंट और मैनेजमेंट के द्वारा जो ये आज अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया है, यहाँ पे इतना शानदार अवार्ड फंक्शन है और इतने बढ़िया लोगों को अवार्ड दिया गया है जिनका समाज में एक विशेष काम है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये अवार्ड फंक्शन तो बहुत शानदार है ही, इस अवार्ड के तो हकदार थे ही, पर जो मैंने उनका काम देखा है उनको कम से कम पद्म अवार्ड की सूची में डाला जाना चाहिए। वो देश के सर्वोच्च पदक के हकदार हैं और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ईश्वर उन्हें और मदद करे, अच्छा काम करने में उन्हें और सहयोग करे, उनका मार्गदर्शन करे। और हम भी कोशिश करेंगे कि उन लोगों के काम में छोटा मोटा हमारी तरफ जो हो सकता है, तन का, मन का, धन का, वो सहयोग ज़रूर करेंगे। और विष्णु जी का बहुत बहुत आभार, आयोजक मंडल का बहुत बहुत आभार, मेरे मित्र राकेश मिश्रा जी मेरे साथ में उनका आभार, जावेद भाई का आभार, बाजी जी का आभार। इस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मुझे इन सब से मिलाया, इन सब से जोड़ा और इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इतने बढ़िया लोगों को पूरे देश से सेलेक्ट किया। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ स्नेहा इवेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आज का ये अवार्ड फंक्शन एक हिंदुस्तान के एकता का प्रतीक है। जितने लोगों को इसमें अवार्ड में शामिल किया गया जिनका नाम, वो अपने आप में अद्भुत लोग हैं, उनकी प्रतिभाएं अद्भुत हैं और उन्होंने जो काम किया, जिनकी सूची है, जिनकी लिस्ट है, डेफिनेटली ये इस बात को इंगित करती है कि हमें एक श्रृंखला बनानी है। एक वक्त एक दिए से तमाम हज़ारों दिए जलते हैं और उनको रोशन करना है ताकि समाज में जागरूकता फैले। और इसके बाद जो मैंने ये आज जो महाराष्ट्र ड्रीम अचीवर अवार्ड का जो फंक्शन हुआ है, इस फंक्शन को मैं बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक शुभ काम है और इसमें जो एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को मिली जो मुझे कि ये कन्यादान के बारे में जो सामूहिक विवाह का जो दिखाया गया, सामूहिक विवाह के बारे में बताया गया, उन लोगों से मैं हम लोग मिले, उनकी बातों को समझा जाना, ये अपने आप एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। उसके अतिरिक्त एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो बात ये कही गई कि जो इसके अलावा जो इतनी महिलाएं उसमें शामिल हैं, जितने पुरुष शामिल हैं, और एक बार और जो कि एक जो कि हमारे बुज़ुर्गों को जो कि अपने परिवार के द्वारा प्रताड़ित है या उपेक्षित हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, उसके लिए भी हमारे मोदी जी को सम्मान दिया गया है, जो कि ये इन लोग सामूहिक रूप से उनके लिए मोर देन 650 पर्सन को हर दिन प्रतिदिन उनको खाना मुहैया कराते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और ये आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जयदी साहब हैं, विष्णु मिश्रा जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, तरुण राठी जी हैं, सबको मेरा धन्यवाद, शुभकामनाएं। और मेरी बहुत दिल इच्छा है कि ऐसा ही जो काम आज का काम है ये हर वर्ष अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता रहे और हिंदुस्तान के जन जन तक समझे। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा विष्णु मिश्रा जी मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। जब उन्होंने ये डिस्कस करा कि हम मुझे ये अवार्ड देना है तो उन्होंने शुरुआत मुझसे करी। मैं 1988 से लेके और आज तक की जो मेरी जर्नी है वो ये है, बॉलीवुड के बारे में सारी टिप्पणियाँ करना, किताबें लिखना, और 2016 में मेरे को भारत गौरव सम्मान अवार्ड मिला अन्ना हजारे जी के साथ जर्नलिज्म में ही। और विष्णु जी और हमने मिल के ये आज जो कन्यादान का और ये फंक्शन जो है हमने आयोजित किया है, आप लोग सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग यहाँ आए हैं। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे, आप सबका सहयोग रहेगा तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। मेरा नाम ऋचा शुक्ला है, मैं फिटनेस आइकन, मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरी ये जर्नी 2014 में मैंने स्टार्ट की थी, जहाँ से मैंने 90 किलो से आज मैं 57 केजीज पे हूँ। सो ये मेरी जर्नी है और दैट्स इट, आई एम अ फिटनेस आइकन। और थैंक यू सोनू जी, विष्णु जी और एंटायर दिस टीम जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो, माय नेम इज़ पिंटाली सेन एंड मैं बॉलीवुड में एक्ट्रेस हूँ, अच्छी डांसर हूँ और थोड़ा बहुत गाना भी गा लेती हूँ एंड सोशल वर्कर भी हूँ। आई एम अ पेट लवर और जितना हमसे होता है उतना करते हैं सोशल वर्क, बाकी इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरा म्यूज़िक वीडियो अभी आया है बेमेहर ज़िंदगी, आज मुझे अवार्ड मिला है और आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। एम टी डी डी ए, थैंक यू सो मच।
भोजपुरी की बात रखनी है यार, हम भोजपुरी से हैं, भोजपुरी को भोजपुरी ने हमें जो प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मातृभाषा भोजपुरी, मैं भोजपुरी का हूँ, तो आप जहाँ भी जाते हैं भोजपुरी की वजह से जाते हैं, पर भोजपुरी की वजह से जाने जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला धर्म है, फर्ज है कि हम बताएँ कि हम भोजपुरी के हैं। लोग शर्माते बताने में, हिंदी में खास करके मैं भोजपुरी का हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं कि भोजपुरी बोलने का तो काम नहीं मिलेगा, तो ऐसे काम क्या क्या करना चाहिए भोजपुरी के नाम पर ना मिले, क्योंकि भोजपुरी से मेरी पहचान है और मैं जहाँ भी खड़ा हूँ और जहाँ जाता हूँ सम्मान से भोजपुरी बोले। ढेर सारी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी अभी जस्ट मैंने अभी कम्प्लीट करके आया हूँ बनारस और मैं कल भी जा रहा हूँ मार्क फिल्मिंग करने, उसके बाद मैं और फिल्म करूँगा। और सबसे बड़ी सबसे जो मोस्ट कम्पिटेटिव फिल्म है उसका नाम है संसार का राइज जो आने वाली है फिल्म, बहुत जल्द मेरा लॉन्च होगा, टीजर आ गया है, जो लोगों ने मुझे प्यार दिया उसका मैं हमेशा तक मस्तक उस प्यार के हमारे लिए माता है वो तो भगत जी की तरफ, मेरे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज है इस फिल्म में, मैंने इस फिल्म को अपने तरीके से पूरी तरीके से मैंने बस सब कुछ झोंक दिया उसके अंदर, बहुत जल्द ट्रेलर आएगा आप सब देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी फिल्म आप सबों को। इसके अलावा फिल्म आएगी देवरानी जेठानी, उसमें मैं रिंकू घोष जी की अपोजिट हूँ, बहुत कमाल की फिल्म बनी होगी, तो मैं अभी बेहतरीन फिल्म में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी फिल्म में जो आप सबको पसंद आए, मेरी ऑडियंस को पसंद आए। अनामिका जी के बारे में इतना कहूँगा कि देखने में छोटी है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कमाल की आवाज़ है, बहुत अच्छा सूर का, बहुत ज्ञानी है, ज्ञान है इनको, मैंने ये गाने सुने थे पर मीला में पहली बार हूँ, एक बार और मिले थे लेकिन मैं अभी, लेकिन मैं इतने गाने सब हिट हैं और अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, अभी लोहड़ी सजा कर रखना मेरा गाना था, बहुत प्यारा गाना था, तो मैं इनको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ, आने वाले समय में ये एकदम टॉप नंबर वन हमारे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सिंगर बन। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो स्नेहा इवेंट एंड मैनेजमेंट को ढेर सारी शुभकामनाएँ महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड कराने के लिए, और दूसरी बात भोजपुरी हमने के बहुत गर्व होकेला कि हमने के भोजपुरी जब आनी, और अभी मैंने डोली सजा के रखना मूवी से डेब्यूट किया है इंडस्ट्री में, पवन जी की मूवी आ रही है हर हर गंगे, पवन जी की मूवी आ रही है हर हर गंगे, उसमें भी मैंने दो गाने काशी पे गाए हुए हैं, और आंगन की तुलसी और खेसारी जी की चार चार मूवीज़ अभी बहुत सारी आ रहे हैं, वर्क कर रही हूँ आप सभी के साथ, तो बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देती रहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में डटी रहूं और अड़ी रहूं। कि नई झुलनी के छैना बलमा दुपहरिया बिताईला हो, कि नई झुलनी के छैना बलम दुपहरिया बिताईला हो। भाई मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं गाँव में तो आप सब भाग चला करती हूँ मध्य प्रदेश से, जो कि भोपाल के पास है। आज के लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यूथ में भी एक बरेली है, मध्य प्रदेश बरेली रहती है इसमें, सो मैं वहाँ से हूँ और मैं मिस मध्य प्रदेश आ चुकी हूँ, म्यूजिक मेरा भोपाल रह चुकी हूँ और एक मेरा कलाकार, और मुझे प्रॉप्स 3-4 ईयर्स हो गए हैं, और मैंने कुछ मूवीज़ ली हैं, रिसेंटली में एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है रोश, जो कि एक सोशल अवेयरनेस टॉपिक पर भी है और एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिस को रिलीज हूँ ऑन 1st May। सो बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स अपना सपोर्ट हमें दें और मूवी को ज़रूर देखें। अवार्ड के बारे में तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्नेहा इवेंट का, बिकॉज मेरा आज एक सॉन्ग भी यहाँ लॉन्च हुआ है पट लिया, जो मैंने खुद ने गाया है और फीचरिंग में भी मैं हूँ, साथ ही स्नेहा इवेंट में आज जो बहुत अच्छा कॉज के लिए जो वर्क कर रहे हैं कन्यादान, जनरली कन्यादान यहाँ आज के समय में एक कन्या का दान भी नहीं कर पाते, वहाँ 250 कन्यादान करना बहुत बड़ी बात है, और इतने अच्छे कॉज के लिए अगर हम सभी मिलके अगर सपोर्ट करते हैं, तो जो सर ने संकल्प लिया है 5,000 कन्यादान करने का, डेफिनेटली वो इस ईयर कम्प्लीट होगा और हम सभी नारी शक्ति उनके साथ हैं। कैसा लगा आपको इतने सेलिब्रिटी यहाँ पर आए हो, परफॉर्मेंस किया, अवार्ड दिए, कैसा? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी तक का जैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि हम मुंबई आते हैं, कुछ लोग अवार्ड लेकर जाते हैं, कुछ अवार्ड लेने वाले हैं,
और कुछ लेकर गए, आज कुछ ले रहे हैं और कुछ लेने वाले हैं। तो जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी मुंबई में तो काफ़ी अवार्ड्स मैंने भी लिए थे ये मेयर हॉल में, मैं भी काफ़ी अवार्ड्स लेके गई। और आज जब मुझे अवार्ड देने बुलाया तो आप समझ सकते हैं सेलिब्रिटी के साथ हम जब अवार्ड देते हैं तो लगता है हम जो मेहनत कर रहे हैं फाइनली आज उसको रिजल्ट मिल रहा है। जी सर, कन्यादान का कॉन्सेप्ट सर, कन्यादान का कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सालों से चल रहा है। और ये कन्यादान का कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में एक कन्यादान करना भी पेरेंट्स के लिए, जो मिडिल फैमिलीज़ के पेरेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। अगर ये सोशल कॉज करके अगर सारे लोग मिलके इस तरीके के कन्यादान करते हैं तो एक लड़की, हर लड़की का एक सपना होता है उसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो, बट परिवार का कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो नहीं कर पाते उस तरीके से कन्यादान। और फाउंडेशन के थ्रू जो कन्यादान करवा रहे हैं सही में बहुत अच्छा है। जो हमने काफ़ी इवीज देखी है इतने, जो लास्ट इतने ईयर्स वो कर रहे हैं कन्यादान, कभी 11 कभी 51 और इन्होंने अभी तो 250 कन्यादान का संकल्प लिया है। ऐसे होते रहना चाहिए सर। नमस्ते आप सभी को। इनफैक्ट मैं तो आई थी किसी और अवार्ड के लिए और लेकिन जब पता चला कि कन्यादान साथ में है तो उससे बड़ा बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि वही कहते हैं कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य है हमारे यहाँ पर। और यहाँ पे इतना अच्छा एक सोशल एक कॉज है और साथ में जुड़े हुए लोग बॉन्डिंग हैं और कहते हैं कि इनको 5,000 कन्यादान करने हैं और ये अब 250 कन्यादान कर रहे हैं दिसंबर में। सो आई थिंक इससे पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। सो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं जुड़ी भी हूँ, मैंने बकायदा फॉर्म भर दिया है टीम के हाथ में। सो आई एम वेरी हैप्पी और थैंक प्रतीक फॉर इनवाइटिंग। मेरा नाम गौरव प्रतीक है, मैं बेसिकली एक्टर हूँ। अभी मेरी फिल्म आ रही है कैप्सूल गिल, अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, शायद आपने सुना होगा। तो ये जल्दी रिलीज़ होने वाली इसी साल में आ रही है, जो हमारा 2 महीने का शूट लंदन में हुआ है। सो ये हमने किए। इसके अलावा ये बहुत अच्छा विष्णु जी ने प्रोग्राम किया है और इसके पहले भी बिंद अवार्ड कर चुके हैं तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पर किया था। और विष्णु जी को हमेशा और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि इस तरह से प्रोग्राम करते रहें। और मेरा जितना भी साथ रहेगा और सपोर्ट रहेगा मैं करूँगा। और कन्यादान के लिए धर्मेंद्र जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर उसको कोई संस्था सम्मानित करती है तो उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाती है और वो समाज में दुगनी ऊर्जा के साथ अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे उनको एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा करना और उनको सम्मान देना ये बहुत बड़ा काम है। और ये काम पिछले 3 साल से लगातार ये संस्था कर रही है। मैं संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी समाज की प्रतिभाओं को वो मंच पर लाकर उनको न सिर्फ उत्साहित करेंगी बल्कि जो लोग उनको देख रहे हैं वो भी कहीं उत्साहित होंगे और अपने जीवन में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, होस्ट करना मुझे लगता है मेरा बचपन से काम है। मुझे लगता है जहाँ भी कोई अच्छा काम होता है मैं अपने शब्दों से उस चीज़ को कितना बेहतर कर सकता हूँ उसकी कोशिश करता हूँ और मैं ये निस्वार्थ भावना से करता हूँ। जहाँ प्रोफेशनल होता है मैं कई बार इंटरनेशनल शोज़ करता हूँ, जहाँ पर दूसरे देश में जाकर मैं वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोग्राम होस्ट करता हूँ और साथ में मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कोई काम समाज के लिए कोई बेहतर हो रहा है तो मैं निःशुल्क अपनी सेवा बिना किसी पैसे के ऐसे किसी अच्छे काम में अपनी आहुति अपना योगदान देता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा काम हो रहा था उसमें मेरी भी थोड़ी सी आहुति, मेरी भी थोड़ा सा प्रयास था।